ओके हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे जो है आप लाइक अपना न्यू यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो। ओके सो आपने लाइक अभी स्टार्टिंग में एक न्यू चैनल बनाया है यूट्यूब पे एंड आपको उस पर व्यूज़ लाना है, सब्सक्राइबर्स लाना है, तो सबसे मेन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वीडियो बनाने समय एंड वीडियो अपलोड करने समय, उस सारी चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है एंड रियलिटी में ये सारे चीज़ जो है आपके वीडियो कंटेंट को इम्प्रूव करते हैं, आपको ज़्यादा व्यूज़ एंड ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लेके आती है। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिएगा एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके सो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि आपको एक वीडियो बनाने समय लाइक आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है कि सबसे पहले जब आप लाइक कैमरा सेटअप करते हो, ओके सो आप जब डिस्टेंस जो होता है कैमरा एंड लाइक आपके आपके बीच में वो ज़्यादा कम और ना ही ज़्यादा दूर होना चाहिए। बिकॉज अगर मैं सबसे बहुत नज़दीक आ गया कैमरे के तो भी लाइक बहुत सारे व्यूअर्स को पसंद नहीं आएगा एंड दैट ऑल्सो लाइक मैं जब बहुत ज़्यादा पीछे भी चला गया तो वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। सो मेंटेन अ मिनिमम डिस्टेंस कैमरा और लाइक अपने बीच में, जाके व्यूअर्स का अटेंशन आपके ऊपर हो और लाइक वो स्किप ना करे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का रिटेंशन आपके वीडियो पे हो, तो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एंड सेकेंड थिंग, जब वीडियो का आपका चैनल ग्रो करने का बात आए एंड वीडियोज़ पे व्यूज़ लाने का बात आए, तो सेकेंड थिंग जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको ध्यान रखना चाहिए वो है आपका वॉइस क्वालिटी। ओके सो अगर मैं सपोज़ विदाउट अ माइक बात करता हूँ, तो सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो मैंने यहाँ से माइक हटा दिया ओके अपने कैमरा से, सो नाउ यू कैन लिसन माई वॉइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में नहीं आ रहा है अभी। एंड मैं अगर सपोज अपना माइक वापस लगा रहा हूँ कैमरा में, सो यू कैन फील द डिफरेंस बिटवीन द वॉइस। ओके सो ये चीज़ जो है आपको अपने भी जितने भी वीडियोज़ होगा या फिर लाइक जितने भी वीडियोज़ आप बनाओगे उस सारे में जो है ये चीज़ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जो बोल रहे हो उसका वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए, ठीक है। सो थर्ड मोस्ट थिंग, वो भी लाइक आपके वॉइस से ही है रिलेटेड, जो कि जब आप वीडियो एडिट करते हो, राइट, सपोज़ आपने वीडियो बना लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपका जब वीडियो एडिट करते हो तो बहुत बार ऐसा होता है कि सपोज़ आप फ़ोन पे एडिट कर रहे हो, तो अगर आप फ़ोन पे एडिट करते हो तो आपका वॉइस और आपका मूव में जो आप बोल रहे हो, राइट, आपका माउथ का एक्शन वो मैच नहीं करता, आपका वॉइस थोड़ा फॉरवर्ड जा रहा है एंड आप वही चीज़ को थोड़ा लेट में जो है आपका मुंह का एक्शन दिखा रहा है। ओके सो अगर ऐसा भी होता है, होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया, अगर ऐसा होता है तो आपको जो है आपके वॉइस को एक्सट्रैक्ट करके ओके एंड देन आपके वॉइस आपके वीडियो क्लिप पे मैच करना होगा वो चीज़, तब जाके जो है आपका वॉइस आपका वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आएगा, व्यूअर्स को पसंद आएगा एंड फिर आपको व्यूज़ सब्सक्राइबर्स रिटेंशन वीडियो का रिटेंशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ओके सो द फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ आपके अपना वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव कर लिया, ओके एंड वॉइस को आपने मैच करा लिया अपने वीडियो से, ओके एंड अपने ऑडियो क्वालिटी को भी आपने इम्प्रूव करा लिया। ओके सो ये सब कुछ करने के बाद जो मेन चीज़ आता है वो है वीडियो क्वालिटी। ओके सो आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हो उसका क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। सो एंड द फोर्थ पॉइंट दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके टू गेट मोस्ट वॉच आवर्स ऑन योर वीडियो, मोस्ट व्यूज ऑन योर वीडियोज एंड दिस विल रियली हेल्प यू टू इंक्रीज योर वॉच आवर्स। ओके एंड दैट इज़ योर वीडियो रेजोल्यूशन, योर वीडियो क्वालिटी। ओके सो ट्रस्ट मी गाइज, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओके बिकॉज बींग अ फ्रेश यूट्यूबर न्यू टू द यूट्यूब वर्ल्ड, ओके यू मे नॉट हैविंग अ DSLR, यू नॉट बी हैविंग द बेस्ट क्वालिटी
of camera, okay, but you do have your phone, and in today's days, in nowadays, like a lot of phones are there which has having a really good and a good quality of cameras. Okay, so you can shoot your videos with the help of phone. You need not be having DSLR, you need not be having any like equipments, like professional equipments at first. Okay, वो सबको लाइक समझ में आता है. सो आप अपने फ़ोन से भी वीडियो शूट कर सकते हो, एंड कीप लाइक आपका फ़ोन से भी आप जो वीडियो शूट कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छा होना चाहिए. ओके, एंड आपके वीडियो लैग नहीं होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका वो वॉइस कहीं और है, आपका वीडियो आप जो बोल रहे हो वो कुछ और है, ऐसा वीडियो लैग नहीं होना चाहिए. ओके, एंड वीडियो लैग का मतलब ये भी है कि आप देखोगे कुछ कुछ लाइक वीडियोज़ जो है बीच में अटकता है, ओके, हैंग करता है. ऐसा वीडियोस भी लाइक आप ना अपलोड कीजिए. ओके, अगर सपोज ऐसा वीडियो है तो उसको रिफाइन कीजिए, अगर नहीं तो फिर से शूट कीजिए. सो इस तरह से अगर आप लाइक फॉलो कीजिएगा ऐसे स्टेप्स, तो आपका चैनल ज़रूर ग्रो करेगा, ज़रूर लाइक आपके व्यूज़ आएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे. लास्टली जो कि है आपका टाइटल. ओके, आप किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हो, आपका थंबनेल, आपने जो SEO, एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग इज़ अ फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वीडियो को रैंक करने के लिए, व्यूज़ लाने के लिए. ओके, सो आप इस तरीके से जो है आप फॉलो कर सकते हो, एंड आई विल बी लाइक गिविंग अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपके SEO के लिए. ओके, आप कहाँ से जो है, अगर आप सपोज आपको SEO आता नहीं है, ओके, YouTube SEO क्या होता है, आप कैसे जो है अपने वीडियोस को रैंक कर सकते हो जाके ज़्यादा व्यूज़ वॉच आवर्स आप पे ज़्यादा आए. ओके, सो इस पे टॉपिक पे ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाया है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर लाइक चेक कीजिएगा, वहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक मिल जाएगा. तो आप वो स्टेप्स फॉलो करके भी आपका वीडियोज़ रैंक करा सकते हो, और रैंक करने के बाद एवरीवन नोज़ आपने आपका व्यूज़ सब्सक्राइबर ज़्यादा अच्छा तरीके से आता है. सो दैट्स इट लाइक इस वीडियो में. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए. प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, सो द लिंक विल बी हियर एंड इवन इन द डिस्क्रिप्शन. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड टिल देन टाटा, गुड बाय, एंड सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू.